हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी बजे हैं 12, और हमारा जो रूटीन वाला काम होता है, डेली वाला, वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं आज आपके साथ में एक ऐसी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, ऐसी चीज़ बनाने जा रही हूँ जो कि सभी के लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। हमारे जो कपड़े होते हैं, जो हम रिजेक्ट कर देते हैं, चाहे वो डल हो गए हों, चाहे वो फट गए हों, किसी भी रीजन से हमने उनको रिजेक्ट कर दिया है, आज हम उन कपड़ों का रीयूज करेंगे, बहुत ही अच्छा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो भी कपड़े हैं आपके पास, उनकी 5-5 इंच की पट्टियाँ काट लीजिए। तो देखिए, ये मेरा कपड़ा जो है एकदम से सीधा है, बिल्कुल भी तिरछा बेड़ा नहीं है। तो मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, और फोल्ड करके इस तरीके से मैं 5-5 इंच पे निशान लगा लूँगी, तो जिससे हमारी जो पट्टी है एकदम से बराबर कटेंगी। तो निशान लगाने के बाद काटने से हमारी पट्टियाँ छोटी बड़ी नहीं होंगी, 5-5 इंच की ही कटेंगी। तो ये देखिए, हमारी पट्टियाँ जो है लंबी लंबी कट गई हैं। तो इसी तरीके से हमें और भी कपड़ों की पट्टियाँ काट लेना है। ये स्टॉल है हमारा, तो साइड से ये जो वो थे लटकने वाले लटकन, उनको हमने हटा दिया था, और फिर उनकी भी पट्टियाँ काट ली थी। और इन पट्टियों को हमें आपस में जोड़ना है, सभी पट्टियों को नहीं जोड़ना है, एक एक कलर की जो पट्टी हैं उनको हमें जॉइंट डाल के लंबी लंबी बना लेना है। यहाँ पे देखिए, ये पट्टियाँ हमने जोड़ के सभी को जॉइंट कर लिया है। और उसके बाद हम लेंगे आटा बैग हो, या फिर आपकी चावल की बोरी हो, राइस बैग हो, मतलब कुछ भी हो, राइस बैग, आटा बैग, या फिर मतलब कुछ भी हो, आप उसको ले लीजिए। और मैंने इसको चारों तरफ से कट करके इसको ओपन कर लिया है। ओपन करके हम इसका एक हिस्सा लेंगे, एक हिस्सा हमने हटा दिया है, एक साइड ले ली है, और उसको इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करके हम इसको साइड से इस तरीके से गोलाई में थोड़ा कट कर देंगे, जिससे हमारी इसकी शेप जो है ना, एक डोरमेट की शेप आ जाएगी। तो इस तरीके से आप कोई भी शेप ले सकते हो। अगर आपको बिल्कुल एकदम से आयताकार में रखना है तो आप वैसा भी रख सकते हो। उसके बाद हम उसी साइज का एक कपड़ा लेंगे, उससे आधा आधा इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे चारों तरफ से। और उसके बाद आप अच्छे से इसको पिनअप कर लीजिए, ताकि ये खिसके नहीं, क्योंकि ये जो बैग होता है ना, बहुत ज़्यादा खिसकता है। तो इसको पिनअप करने के बाद, जो एक्स्ट्रा हमने कपड़ा रखा था ना, उसको ऊपर की साइड में फोल्ड करते हुए और सिलाई कर दीजिए चारों तरफ। तो इस तरीके से हमें चारों तरफ सिलाई कर देना है फोल्ड करते हुए। तो ये हमारा एक वेस तैयार हो गया है डोरमैट का। उसके बाद जो हमने पट्टियाँ रखी हैं बना के, तो एक पट्टी हम लेंगे पहले, और उसको हम फोल्ड करेंगे बीच से, डबल करेंगे, और डबल करके साइड से फिनिशिंग के लिए हम पहले थोड़ा सा मोड़ लेंगे, और फिर हम डबल करेंगे इसको। और डबल करके हम इसका प्लेट्स डालते हुए साइड से एक फ्रिल टाइप लगाएंगे। बस हमें जो हमारा बेस है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है, आधा इंच बाहर निकाल के एक फ्रिल लगा देनी है हमें चारों तरफ से। प्लेट्स डालते हुए इसको हमें चारों तरफ सिलाई कर देना है। इस तरीके से आपको करना है, जो शेप है ना, वो हमारी शेप सही से दिखे, और अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपको करना है। तो ये देखिए, एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई है, अब दूसरी साइड शुरू हो गई। तो इस तरीके से हम घुमाते हुए चारों तरफ कर लेंगे, और हमारी देखिए चारों तरफ लग चुकी है। एंड में हम इसको कट करके और फिनिशिंग देते हुए मोड़ते हुए अंदर की साइड में सिलाई कर देंगे। तो एक फ्रिल हमारी पूरी लग चुकी है। अब हम लेंगे दूसरी पट्टी, और दूसरी पट्टी को इसके ऊपर रखते हुए, ये जो हमारी फ्रिल है ना, इसको हम आधा इंच बाहर निकालेंगे ताकि ये दिखती रहे, और इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसको भी हम इस फ्रिल की तरह ही लगा देंगे चारों तरफ। तो इस तरीके से हमें फ्रिल को लगाते हुए अलग अलग पट्टियों के थ्रू पूरा जो वेश है वो पूरा हमें कवर करना है। देखिए, जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ आपको, सेम ऐसे ही आपको करना है, और इस तरीके से करते हुए आपको पूरा वेश कवर करना है। तो ये देखिए, हमारा कितना सुंदर सा डोरमेट बन के जो है रेडी हो चुका है, ये देखिए।
और आप इसको कहीं भी यूज करिए, डोरमेट के रूप में यूज करिए, या फिर आप बैठने के लिए आसन बना सकते हो आप, मतलब किसी भी तरीके के जो भी आपको जरूरत हो, जहां भी जिस जगह पे और जैसे भी आपको जरूरत हो तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, मुझे लगता है कि ये पुराने कपड़ों का सबसे बढ़िया जो है रीयूज है मेरी समझ से। ये देखिए, तो है ना, देखिए कितनी यूजफुल चीज। देखिए कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हो, रूम के आगे, बाथरूम के आगे, कहीं भी इसको, किचन में, बेड के पास, आप कहीं भी इसको जो है यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगी। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय। अपना फीडबैक जरूर देना।